हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट डेली से। आज हम बात करने वाले हैं राहु की। राहु को लेके लोग बहुत कुछ बोलते हैं, काल सर्प दोष बनाता है, बहुत कुछ। लेकिन राहु अपने आप में एक मायावी है। राहु क्या था? राहु एक राक्षस था जिसे देवता बनना था। यानी कि जब राहु की दशा आती है तब इंसान अमीरों में बैठ के अमीर बनना चाहता है। उसके अंदर ये जिज्ञासा आती है कि मैं भी वैसा बनूं। और राहु ने जब देखा कि विष्णु जी ने मोहिनी रूप में दे दिया है, तो यानी कि राहु एक एनालाइज करना जानता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, मतलब मेरे साथ कहीं छल हो रहा है। तो राहु की जब दशा आती है तो इंसान ओवर एक्टिव हो जाता है, वो हर इंसान पर शक करता है। तो राहु देता है एक ट्रस्ट इशू। फिर उसके बाद राहु ने रूप बदला और अपना मतलब निकाल लिया। यानी कि उसने रियलाइज किया कि मेरे साथ छल हो रहा है तो मैं भी छल कर सकता हूँ, मुझे भी राइट है। तो जब राहु का टाइम आता है तो इंसान अपना दिमाग लगाता है, सामने वाला जैसा होता है वैसा बन जाता है। राहु को अपनी पहचान छुपा कर काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो जितने भी फेक आईडीज बनती हैं या फेक नाम से लोग आईडी बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं राहु के प्रभाव में रहते हैं। अब आती है राहु की दशा। राहु की जो दशा है उसमें, क्योंकि राहु वक्री चलते हैं तो वो हमेशा उल्टा 30 से शुरू करते हैं अपनी डिग्री। तब जब 30 से स्टार्ट करते हैं तो आते ही रिजल्ट देते हैं। अकॉर्डिंग टू आप देखिए कि आपकी ऑड राशि है या इवन राशि है। अब जब उन्होंने रिजल्ट देना शुरू करेंगे तो रिजल्ट में पहले तो बहुत तेज़ी से अच्छे रिज़ल्ट देंगे। अच्छे लोगों से मिलवा दिया, थोड़ा थोड़ा फ़ायदा करवा दिया, शेयर मार्केट में गए, ट्रेडिंग में गए, रियल एस्टेट में गए, बहुत अच्छा। राहु सेटिस्फाइड नहीं होता क्योंकि उसमें इनसिक्योरिटी है। क्यों इनसिक्योरिटी है? क्योंकि उसको पता है कि मैं तो राहु हूँ और मेरी अपनी कोई राशि भी नहीं है, मेरा अपना कोई स्वभाव भी नहीं है, मुझे तो दूसरे से ग्रैब करना है। तो राहु हमेशा इनसिक्योर रहता है। तो राहु वाला हमेशा इनसिक्योर रहता है। जब उसकी दशा आती है वो अपनों पर भी शक करने लगता है, ब्लड रिलेशन पर भी शक करता है। अब क्योंकि राहु सूर्य और केतु को, सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, तो माँ बाप से विचार नहीं मिलते। सबसे पहले माँ बाप के साथ शिकायतें आने लगती हैं कि आपने मेरे लिए ये नहीं किया, आपने मेरे लिए वो नहीं किया, इस तरह की। अब जब वो चीज़ें भी हो जाती हैं उसके बाद उसको भाई बहन पर भी ट्रस्ट नहीं रहता। क्योंकि देखा जाए, राहु ने सबको तो नहीं बताया कि विष्णु देखो मोहिनी बन के दे रहा है, अमृत की जगह हमें मदिरा पिला रहा है, उसने किसी को नहीं बताया। तो ऐसे में जब राहु की दशा आती है और अगर उसके हाथ में कोई अपॉर्चुनिटी आती तो वो अपने घर वालों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करता, वो अकेला उसमें चलना चाहता है। वो कहता है इसे तो मैं अकेला ही इन्जॉय करूँगा। अब जब वो कर लेता है तो विष्णु जी का चक्र, तो जब वो कर लेता है कई बार वो उसमें फंस भी जाता है। तो ऐसे में राहु की जब दशा आती है तो लोग मिलते हैं, वो अपना रूप बदलता है, उनके अकॉर्डिंग चलने लगता है, अपने घर वालों को दूर छोड़ता चला जाता है। अब आती है बारी राहु के जाने की। अब जब उल्टा चल रहा है तो जाहिर सी बात है ज़ीरो पे ख़त्म होगा। तो फिर जो लोग फ़ायदा दे रहे थे वही जेलसी करके उसको मारना चाहते हैं, वही उसको दबाना चाहते हैं, वही उसको ख़त्म करना चाहते हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल है, जितने भी अभी तक बड़े बड़े आतंकवादी हुए हैं उनको पहले सपोर्ट राजाओं ने ही की है कि हाँ तुम ये काम करो हम देख लेंगे, वही उनके अकाउंट क्लियर करते हैं और बाद में उन्हीं को इशू बना के उन्हीं का शिकार होता है। ये एक कटु सत्य है कि बनाते भी वही लोग हैं और बाद में खरा ख़त्म भी वही करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। पॉलिटिक्स में भी यही चीज़ होती है कि जब आप किसी को क्रॉस करने लगते हो ना, तब इंसान टंगड़ी मार के आपको गिराता है और उस समय उसको संभालता है सिर्फ उसका परिवार। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको आसपास मिल जाएंगे जिनको बाद में फिर उनके परिवार ने ही संभाला। ऐसे में इंटरकास्ट शादी करना, इंटरकास्ट में क्या है, दूसरे की फैमिली बड़ी जल्दी मान जाती है और इस साइड की नहीं मानती। क्यों नहीं जब मानती? क्योंकि राहु की दशा है, माँ बाप मना करते हैं, माँ बाप रोकते हैं। और इंटरकास्ट शादी करने के बाद जैसे ही राहु की दशा जाती है, गुरु की दशा आती है, वो तब आपको सबक सिखाती है कि बेटा कहाँ गलती कर ली। आपको क्या लगता है कि इस समय जो ऑटिज़म की प्रॉब्लम बच्चों में, जो डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, जो एक ट्रांसजेंडर जैसी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो क्यों आ रही है? पहले क्यों नहीं थी? क्योंकि पहले बहुत स्टिकनेस होती थी, अब स्टिकनेस नहीं है। अब लोग आज़ादी का फ़ायदा उठाते हैं, तो आज़ादी कहीं ना कहीं आपको बहुत महंगी पड़ती है, सस्ती नहीं है आज़ादी। अब राहु की बात करते हैं। अब राहु जब जा रहा है और वो ज़ीरो पे देके जा रहा है,
तो वो जो अर्श से फर्श का सफ़र कहते हैं वो यही है। आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हुए, बहुत सारे ऐसे नेता हुए जिन्होंने अर्श से फर्श से अर्श का सफ़र किया और फिर अर्श से फर्श का सफ़र किया इस राहु के प्रभाव में। तो इसलिए राहु मायावी है और फिर हेड है, अब लोअर बॉडी नहीं है। पहले कहते थे ना झूठ के पैर नहीं होते, क्यों कहा जाता था? इसीलिए, क्योंकि राहु झूठ का छल का कारक है। आँख कान नाक मुंह और दिमाग, बस यही एक सेंस है इनके पास और कुछ नहीं है। तो इंसान क्या करता है, शॉर्टकट मारना चाहता है, वो मेहनत नहीं करना चाहता क्योंकि लोअर बॉडी नहीं है तो मेहनत कैसे करेगा, तो वो तुक्के मारता है, लॉटरियाँ शेयर मार्केट इन सब में छोटे छोटे स्टिक्स मारता है, शॉर्टकट मारता है। तो ये शॉर्टकट बाद में बड़े प्रॉब्लम देते हैं क्योंकि राहु कहता है सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हो तुम, दिमाग लगाओ ना। तो जो तो राहु की दशा में संभल जाते हैं वक्त आने पर, वक्त रहते हैं, वो तो फिर भी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं संभले हैं और आप बिगड़ते ही जा रहे हैं और अपने से दूर जाते जा रहे हैं तो आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। आपको अपने रोने के लिए अपने कंधे भी नहीं मिलने वाले, मतलब आप इतना हेल्पलेस हो जाएंगे। राहु जब आएगा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कर देगा, एकदम से इतनी सारी अपॉर्चुनिटी दिखाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब भी राहु आए तब कंट्रोल करें, अपने थॉट को कंट्रोल करें, जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनसे सपोर्ट लें, उनके खिलाफ ना जाएं। अगर आप सही हैं तो उनको सही साबित करके अपनी बात को रखें, जिद ना करें। राहु की दशा में लोग घर से भाग जाते हैं, जितने भी लोग आज तक अपने घर परिवार को छोड़कर गए हैं वो बाहरी दुनिया क्या है, सड़कें क्या हैं, आवारापन क्या है, ये सब राहु है। और उसके बाद उनको धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि उनके पेरेंट्स जो उनको रोक रहे थे, जो समझा रहे थे, वो सही थे, बट समय निकल चुका है, अब वो समय वापस नहीं आ सकता। राहु ऐसा ही करता है। तो इसलिए जब भी राहु की दशा चल रही हो, अंतरदशा पर्यंतर दशा चल रही हो और आप अपना वे से उल्टा जाने की इच्छा हो रही हो तो उसे कंट्रोल करें। चांदी पहने, सफ़ेद रंग ज़्यादा पहने, काला और नीला रंग बिल्कुल ना पहने क्योंकि ये कलर्स आपको तोड़ते हैं, सबसे मिलने नहीं देते। तो लाइट ब्राइट कलर पहने, चांदी पहने, आर्टिफिशियल ज्वेलरी ना पहने। इस समय में कोशिश करें कि दोस्त यार बनाने से अच्छा है आप अपने घर के जो ब्लड रिलेशन्स हैं उनके साथ रिश्ता अपना स्ट्रॉन्ग करें ताकि ये दशा निकल जाए। देखिए राहु केतु की दशा शनि की दशा पहले भी आती थी, 7:30 पहले भी लगती थी, हमारी मम्मियों को भी लगी, पिताजी को लगी, हमारे दादा नाना को भी लगी, हमारी नानी दादी को भी लगी, लेकिन उन्होंने रिश्ते नहीं तोड़े, उन्होंने रिश्ते निभाए, उन्होंने रिश्तों को जोड़ा। यही रिश्तों की खूबसूरती है कि प्लैनेट्स को इतना ज़्यादा भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए कि वो आपको चढ़ाए। इसलिए एक हाथी को चलाने के लिए भी एक ऐरावत की ज़रूरत होती है जो उसे चलाता है। तो हाथी क्या अकलमंद है, हम हाथी को सबसे ज़्यादा संवेदनशील मानते हैं। एक घोड़ा है, घोड़े के ऊपर अगर सवार है ना तो घोड़े को उसकी दिशा पता है। हर इंसान की एक लगाम होती है और उसकी लगाम कभी माँ के हाथ में, कभी पिता के हाथ में, कभी हस्बैंड के हाथ में, कभी आसपास के कुछ लोगों के हाथ में या गुरु के हाथ में होती है। तो इसलिए जब भी राहु की दशा लगे तो संभल जाइए, उसके दिखावे में मत आइए वरना वो आपको दिक्कत दे देगा। अब राहु क्या देता है, राहु जॉब कैसी देता है? राहु गवर्नमेंट जॉब अगर देगा तो वर्दी वाली देगा, वो जिसमें आप 2 नंबर का पैसा कमा सकें। राहु बैंक में जॉब दे सकता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब दे सकता है क्योंकि वर्दी का कारक है, ब्राउन कलर उसी के अंदर आता है। तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की, हवलदार की, बैंक में बैंक क्लर्क की, GST डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब लग सकती है क्योंकि धन का आकर्षण है ना उसको, इसलिए। उसके अलावा स्वीपर्स की जॉब, क्लर्क की जॉब भी गवर्नमेंट में देता है। अदरवाइज़ IT, MNC, ऑडिटिंग की, कॉलिंग की जॉब बहुत बेटर देता है, उसमें आपको बहुत कुछ देखने सीखने को मिल जाता है क्योंकि ऑडिटिंग सुनना है, कॉलिंग बोलना है, ये सब राहु के अंदर आता है। किसी चीज़ को एनालाइज़ करना, किसी चीज़ को समझना, किसी का प्रेजेंटेशन निकालना, ये सब चीज़ें राहु में आती हैं। तो अगर आपकी राहु की दशा चल रही है तो अपने आप को संभालें। इंडेक्स फिंगर में अगर आप गोल्ड की रिंग पहनेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा ताकि गुरु प्रबल रहे और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बेस्ट गाइड करे। ऐसे में कन्फ्यूज़न और डुअलनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है।
तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में भी कोई परेशानी आए तो ये छोटे छोटे उपाय आप अपने डेली जीवन में उतार लीजिए, ताकि अंतर पर्यंतर दशा में भी जब राहु आए तब आपको परेशान ना करें। तो ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए मेरे चैनल स्क्रॉल के नीचे मेरा नंबर चल रहा है, अगर आप जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली एनालाइज करवाना चाहते हैं और अगर आप मुझसे ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो स्क्रॉल के नीचे मेरा नंबर चल रहा है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी।